हिंदी में होगी अब जेंडर और नारीवाद की बात फेमिनिज्म इन इंडिया के साथ। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। वर्तमान युग के पुरुष ने स्त्री के वास्तविक रूप को ना कभी देखा था ना वह उसकी कल्पना कर सका। उसके विचार में स्त्री के परिचय का आदि अंत इससे अधिक और क्या हो सकता था कि वह किसी की पत्नी है। कहना ना होगा कि इस धारणा ने ही असंतोष को जन्म देकर पाला है और पालती जा रही है। ये शब्द हैं भारतीय साहित्य जगत की आधुनिक मीरा कही जाने वाली रचनाकार महादेवी वर्मा के। स्त्री विमर्श के मुद्दे पर जब हम अंग्रेजी की किताबों का रुख करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि साल 1942 में ही भारत की आजादी से भी पहले एक लेखिका भारत में स्त्री विमर्श की पृष्ठभूमि तैयार कर चुकी थी। वह लेखिका थी महादेवी वर्मा और स्त्री विमर्श की उनकी यह पृष्ठभूमि थी उनके निबंधों का संकलन श्रृंखला की कड़ियां। जरा याद कीजिए अपने पालतू जानवरों पर लिखी गई उनकी कहानियां, तो शायद हम सब ने बचपन में कभी ना कभी जरूर पढ़ी होंगी। तो आइए जानते हैं आज महादेवी वर्मा के बारे में। वक्त था साल 1907 का, जब उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में वकीलों के परिवार में जन्म हुआ था एक लड़की का। चूंकि इस परिवार में कई सालों बाद किसी लड़की का जन्म हुआ था तो नाम रखा गया महादेवी। पिता थे अंग्रेजी के प्रोफेसर, तो वह अपनी बेटी को भी खूब पढ़ाना लिखाना चाहते थे। जब महादेवी वर्मा महज 9 साल की थी तब उनकी शादी डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा से कर दी गई, लेकिन उन्होंने अपने इस बाल विवाह को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया बल्कि लेखन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का फैसला किया। शादी के बाद वह लंबे समय तक अपने माता पिता के साथ ही रही। कहते हैं कि महादेवी वर्मा 7 साल की उम्र से ही कविताएं लिखने लगी थी। जब उन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की तब वह एक सफल कवयित्री के रूप में मशहूर हो चुकी थी। उनकी कविताएं अलग अलग जगहों पर प्रकाशित होने लगी थी। बात अगर उनकी आगे की पढ़ाई की करें तो साल 1929 में उन्होंने इलाहाबाद से अपने स्नातक की पढ़ाई पूरी की और इसके बाद 1932 में संस्कृत में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी हासिल की। कॉलेज के दिनों में उनकी और सुभद्रा कुमार चौहान की दोस्ती भी काफी चर्चा में रही। महादेवी वर्मा महात्मा गांधी के विचारों से बेहद प्रभावित थी। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया था। वह बौद्ध धर्म से भी बेहद प्रभावित थी। एक वक्त तो ऐसा भी आया था जब वह बौद्ध भिक्षुणी बन जाना चाहती थी, लेकिन एमए की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने इलाहाबाद महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य के पद को संभाला। आगे चलकर वह यहाँ की चांसलर भी नियुक्त की गई। इस दौरान उन्होंने चांद पत्रिका का भी संपादन किया। बता दें कि वह न सिर्फ एक कवयित्री रचनाकार थी बल्कि एक प्रभावशाली सक्रिय महिला कार्यकर्ता, अनुवादक, चित्रकार, शिक्षक और समाज सेवी भी थी। वह महिला मुद्दों की एक प्रबल पक्षधर थी। महादेवी अपनी लेखनी से सजगता और निडरता के साथ महिला मुद्दों पर लगातार लिखती रही। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां जैसी रचनाओं के जरिए उन्होंने महिलाओं के मुद्दों पर खुलकर लिखा। उनकी रचनाओं में सामाजिक मुद्दों, महिला अधिकारों की झलक हमेशा दिखाई दी। उनकी रचनाओं के लिए उन्हें साल 1979 में साहित्य अकादमी फेलोशिप और साल 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी नवाजा गया। वह साहित्य अकादमी की सदस्य भी रही। उन्हें पद्म विभूषण और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। अपनी रचनाओं के कारण महादेवी वर्मा को ना सिर्फ आधुनिक मीरा कहा जाता है बल्कि जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत के साथ उन्हें हिंदी साहित्य के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से भी एक माना गया है। 11 सितंबर 1987 को उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली, लेकिन उनकी रचनाओं ने साहित्य और लेखन के क्षेत्र में महिला मुद्दों को एक रास्ता दिखाया।
उनके लेखन ने उस दौर में स्त्री विमर्श पर चर्चा शुरू की, जिसकी विरासत हमारे बीच हमेशा मौजूद रहेगी।